हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर विष्णु जी ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आज है तारीख 1 सितंबर 2020 और आज है दिन गणेश विसर्जन का। तो दोस्तों अभी हम नहा धो के बिल्कुल कंप्लीट हो गए, देख सकते हैं ये भी हम नहा धो के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम जानने वाले हैं गणेश जी को विसर्जित करने। भीलवाड़ा की ही एक डैम है मेजर डैम, उसके अंदर। दोस्तों आज यानी कि 10 दिन पूजा अर्चना श्रद्धा जो भी करके और आज लास्ट दिन है उनको विसर्जन करने का, यानी उन्हें अलविदा कहने का। हाँ तो दोस्तों आज का व्लॉग विसर्जन पे होने वाला है, तो मैं आज आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा कि कैसे विसर्जन किया, क्या क्या किया, कहाँ किया। दोस्तों अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सपोर्ट करें। दोस्तों आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा सेट सेट भी है, क्योंकि इतने दिन घर में रखने के बाद आज हमें उन्हें विसर्जित करना पड़ेगा। लेकिन विसर्जन करना भी ज़रूरी है क्योंकि वो भी उनकी फैमिली के पास जाने वाले। दोस्तों तो देखते रहिएगा पूरा व्लॉग। दोस्तों थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारे घर के गणेश जी देखे होंगे, लेकिन अगर जिन भाइयों ने जो नए हैं वीडियो में उन्होंने नहीं देखा हो तो आपको दिखा दूँ, ये है गणेश जी जिनको हमने हमारे घर पे स्थापित किए थे। इनको जगह से भी हिला दिया है और अब इनको विसर्जन के लिए ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर जिन लोगों को मेजर डैम का रास्ता पता नहीं, अगर जो भीलवाड़ा से बाहर के उनको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से पहले आपको पानसल जाना होगा। पानसल से समुड़ी चौराहा आता है, वहाँ जाना होगा और फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट घोड़ास वाली रोड पकड़नी होगी। तो आप उसी रोड पर चलेंगे तो आपको मेजर डैम सामने नज़र आ जाएगा, और अगर नहीं नज़र आता तो आप बीच में गाँव आता है कोरडी, वहाँ पूछ सकते हैं। और भीलवाड़ा के लोग को वैसे भी मेजर डैम के बारे में सब पता होगा। दोस्तों ज़्यादा घबराने की बात है, देखना चाहे तो देख सकते हैं इसे। हाँ तो देख सकते दोस्तों के सामने ये मेजर डैम का नज़ारा है, लेकिन अभी बरसात कम हुई है
तो ये थोड़ा कम भरा है। बाकी तो अभी अगर मानसून का महीना है और बरसात होती तो अभी ये पूरा लबालब होता और यहाँ का सीन देखने लायक होता। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, अभी बादल बहुत शानदार हो रहे हैं, ज़्यादा धूप नहीं थी। यहाँ पर आप पिकनिक बना सकते हैं और परिवार के साथ घूमने भी आ सकते हैं। दोस्तों अभी हमने गणेश जी को नीचे रख दिया है और यहाँ पे इनकी आरती करती है। अब फूल वूल चढ़ा के इनका विसर्जन हम करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अगर किसी ने मेजाबान सही से नहीं देखा है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा मेजाबान का इलाका है और इतना प्यारा नज़ारा है दोस्तों कि यहाँ से जाने का मन तक नहीं करता। तो एक बार ज़रूर आए यहाँ पे आप। तो दोस्तों अब हम दोनों भाई मिलके गणेश जी को डैम के बीचों बीच ले जा रहे हैं ताकि वहाँ पर हम तीन डुबकी खा के और उनको गणेश जी को तीन डुबकी खिला के और उन्हें यहाँ पर विसर्जित कर देंगे, यानी पानी के अंदर छोड़ देंगे या बहा देंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ तक हमको पहुँचाना है, हम तो बीच तक हमको जाना है वहाँ तक। तो दोस्तों काफ़ी ठंडा पानी था लेकिन मज़ा बहुत आया अंदर जाने के बाद। इतना ठंडा ठंडा पानी लगाना दोस्तों कि अगर आपको आना चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए कभी ना कभी, तो दोस्तों एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए भिलवाड़ा में मेजा डैम को, आपको हो सकता है बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। दोस्तों ज़रूर आइएगा एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गणेश जी का विसर्जन कर दिया है, पीछे आप देख सकते हैं इस बांध के अंदर। और ये भिलवाड़ा का सबसे बड़ा बांध है हमारा, इसका नाम मेजा डैम। इसकी वीडियो मैं आपको कभी और बताऊंगा आई जब ये भरेगा। और अभी इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।